दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा में इन दिनों काव्या अनुपमा को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। मीठी छुरी बनकर एक एक करके सब पर वार कर रही हैं काव्या और इसके साथ ही पूरे परिवार को अपने फेवर में करती जा रही हैं। आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से काव्या ने वनराज से लड़ना बंद कर दिया है। उसके बाद परिवार के बाकी सदस्यों को भी काव्या धीरे धीरे अपने फेवर में करती जा रही है। काव्या ने पहले बा का दिल जीता, इसके बाद उसने बिना मेहनत किए समर को अनुपमा के खिलाफ भड़का दिया। काव्या का अगला निशाना बनी है पाखी। जी हां दोस्तों, पाखी को भड़काने की पूरी कोशिश करेंगी काव्या और इसके साथ ही अनुपमा को एक बार फिर से रुलाने वाली है काव्या। काव्या का अगला निशाना पाखी है। पाखी को अपने स्कूल फंक्शन के लिए एक डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करनी है। पाखी से अनुपमा ने वादा किया है कि वो उसे हर स्टेप सिखाएगी। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्या पाखी को अपना अगला निशाना बनाने वाली है। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा सभी घर वालों को लेकर कारखाने जाएंगी। काव्या और पाखी घर पर ही रुकेंगे। अनुपमा को घर में आने में देरी हो जाएगी और किसी न किसी वजह के चलते वो पाखी को कॉल भी नहीं कर पाएंगी। इतने में काव्या अपना काम कर देंगी। काव्या पाखी को परेशान हुआ देखकर उसे भड़काने का काम करेंगी। काव्या पाखी को भड़काएंगी कि उनके लिए समर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी खुशियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है। पाखी काव्या की बातों को सुनकर परेशान हो जाएंगी। इसके साथ ही काव्या पाखी को भड़काएगी कि अनुपमा ने फोन करके भी नहीं बताया कि उसको घर आने में देरी क्यों हो जाएगी। काव्या पाखी को भड़काने के बाद उसकी मदद करने का फैसला करेगी और काव्या खुद ही पाखी को डांस की प्रैक्टिस भी करवाएगी। तो देखा आपने किस तरीके से मीठी छुरी बनकर काव्या पूरे परिवार को अनुपमा के खिलाफ करती जा रही हैं और अपने नंबर घर में बढ़ाती जा रही हैं।